एनीथिंग, कुछ भी वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, इलीगल नहीं, लीगल। आर किन्हीं को पूछना है? आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग मेंस के लिए मेंस के आंसर लिए है। आंसर राइटिंग। मेंस मेंस तो डिफरेंट चीज है, मेंस की तैयारी डिफरेंट है। इसके लिए तो ये जो मैंने बात किया इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए ऐसा है कि अब मेरा समय पुराना हो गया और मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से आज के समय में ऑब्सोलीट या बूढ़ा जो भी कह लीजिए उस तरह का, ठीक है। फिर भी दो तीन चीजें हैं, कोई भी प्रश्न जैसे आता है तो पहले आपको देखना है कि वो आपसे कितने शब्दों में जवाब मांग रहे हैं। तो जितना शब्द में वो जवाब मांग रहे हैं 10% प्लस माइनस आपका होना चाहिए, उससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अगर 100 शब्द बोल रहे हैं तो आप 110 तक मैक्सिमम जाइए, नीचे में आप 90 तक पहुंचे। ये नहीं कि 30 शब्द में निपटा दिए, 30 शब्द में निपटा दिया तो काम खत्म हो गया। इसी तरह से 100 के बदले में 200 लिख दिए तो बेकार का चीज। तो एक लिमिटेशन। दूसरी चीज ये है कि जो भी प्रश्न के जितने पार्ट्स हो सकते हैं उतना पार्ट्स करके हर पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दीजिए। और जीएस के बारे में खास तौर से अगर आपने देखा होगा सुना होगा लोगों का, तो नया ट्रेंड यह चल रहा है कि जीएस का आंसर उसमें लिखा जाता है पॉइंट्स में और नक्शे बनाने का। प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मान लीजिए अगर बिहार के बारे में आता है तो बिहार का नक्शा 10 सेकंड में आप बना सकिए। इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे इंडिया का नक्शा जो यूपीएससी वाले लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, 15 सेकेंड्स में उनका इंडिया का नक्शा बन गया छोटा सा। वो तो फुल पेज का आपको नहीं बनाना, आपको बेसिकली इतना बड़ा तक। और उसी में जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको क्रॉस करके या शेड करके दिखा दीजिए, इंडेक्स बना दीजिए साइड से। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रश्न है, कौन सी चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य जो हिस्ट्री की बातें आती हैं कि किसी राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो आप सेट करके बता दीजिए इंडिया के किस चीज में। या मान लीजिए कि कोई वीट का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा हो रहा, कहाँ पर मेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, कहाँ दुग्ध उत्पादन ज्यादा हो रहा, तो हर चीज का नक्शा आपको मालूम होना चाहिए कि किस साइड में है। तो जिस साइड में ज्यादा है वहां शेडिंग कर दीजिए। तो ये सब चीजें नई हैं जो पहले के समय में नहीं चलती थी। छोटे छोटे टिप्स में आंसर लिखना और साइड में एक डायग्राम प्रस्तुत कर देना। और जो और छोटे रहेंगे उनके वर्ड लिमिट उसी तरह से आप देखिए, जिसमें फ्री होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ लिखना है, तो 5 क्वेश्चन लिखने का मतलब कि आपके पास में एक क्वेश्चन लिखने के लिए ऑलमोस्ट 35 मिनट है। तो उस हिसाब से उसे फ्रेम कीजिए कि 3 पेज 4 पेज तक आप उसको लिखिए। और इमीडिएट लिखने से बेटर है 2 मिनट का समय लगाइए, उसके पॉइंट्स को जॉट कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स पर आप अपना डिटेल्स लिखेंगे। रटी हुई चीजें हैं तब तो ठीक अलग बात है कि प्रश्न आपका रटा हुआ और वही प्रश्न आ गया तो फिर तो कोई बात नहीं। और अगर ऐसा प्रश्न नहीं आया तब फिर पहले आपको प्रश्न को समझना है, उसके सब हेड्स अपना लिख डालिए, क्या क्या सब हेड पर हमको फोकस करना है उनके बारे में डिटेल लिख दीजिए। फाइन। और किन्हीं को यूपीएससी पूछना के है? बारे में नहीं, लेकिन एक जिसमें यूपीएससी के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, पीकेटी चैनल जनरल नॉलेज है, यूट्यूब पर मिलता है, बढ़िया है आपको जानकारी। पीकेटी जनरल नॉलेज ट्रैक ये के यूट्यूब पर लिए। मिलता किन्हीं को और पूछना है? है, संसद टीवी जो होता है उस पर डिबेट, वो जीएस में बहुत फायदा। तो आगे